हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन। आज हम बहुत ही हेल्दी रेसिपी लेकर आए हैं, गुड़ बादाम का हलवा। इसमें हम बहुत ही कम घी का यूज़ करने वाले हैं और ये हम बिना चीनी के गुड़ से बनाने वाले हैं। इसे आप बढ़ते हुए बच्चों को खिला सकते हैं, प्रेग्नेंट लेडी खा सकती है, डायबिटिक वाले पेशेंट भी खा सकते हैं और ये बड़ी आसानी से 10 मिनट में तैयार हो जाता है। पढ़ते हुए बच्चों के लिए भी ये बहुत ही गुणकारी हलवा है और साथ साथ इसके अनेकों फ़ायदे हैं, क्योंकि इसमें गुड़ भी मिला हुआ है जो कि अपने आप में बहुत हेल्दी होता है, जो हमारा हेमोग्लोबिन भी बढ़ाता है। चीनी का भी इसमें हमें डर ख़त्म होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप और हम मिलकर इसे बनाते हैं, इसकी रेसिपी। ये हाफ कप हमने बादाम का लिया है, इसे हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है मिक्सर में बिना छिलका उतारा। ये बिल्कुल ड्राई बादाम है बिना भिगाए हुए पानी, इसे हमें पीस लेना है। ये देखिए, इस तरह से ये दरदरा पीस गया है। हमें हल्का दानेदार पीसना है इसको। हमें एक पैन लेना है, इसमें 1 टेबलस्पून घी का ऐड करना है और अब हम इसमें ये पिसा हुआ बादाम अपना ऐड कर देंगे और इसे हमें कम पर भूनना है 5 मिनट तक। ये देखिए, ये हल्का रोस्ट हो गया है कम पर। हमें इसे ज़्यादा नहीं सेकना है, लाल काला बिल्कुल नहीं करना है, इस तरह से ही रहना चाहिए। और हम इसमें बहुत ज़्यादा घी का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम इसको दूध से बनाने वाले हैं, ये हेल्दी हलवा है। देखिए, हमें 5 मिनट्स हो गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क को। यहाँ पर हम 1 कप मिल्क ऐड करेंगे। एक बॉयल आ गया इसमें, अब हम 1 कप और ऐड करेंगे इसमें। आप हल्का सा मलाई भी डाल सकते हो। अब हम इसे अच्छे से खौलाकर कम कर लेना है। अब जब तक हमारा दूध उसमें खौल रहा है, हमने एक छोटी कढ़ाई में 50 ग्राम के करीब गुड़ लिया है। गुड़ आप अंदाज से इतना भी ले सकते हो, उसको क्रश कर लेना है, अपना अंदाज का मीठा रखें। इसमें अब हमें हल्का सा डालना है पानी, बिल्कुल 1/4 कप, 1/4 कप हम इसमें पानी डालेंगे और इसको मेल्ट कर लेंगे गैस पे। हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 केसर के पत्ते। हमारा गुड़ अच्छे से डिजॉल्व हो गया, आप देखिए इसमें कलर भी अच्छा आ गया है केसर की वजह से। अब हम गैस बंद कर चुके हैं अपना यहाँ पर। ये देखिए आप, हमारा हलवा अब कितना अच्छा हो रहा है। ये अब साइड से पैन छोड़ने लगा है, इसका मतलब ये काफ़ी हद तक तैयार है। जब ये इस तरह से पैन अच्छे से छोड़ने लगे, थोड़ा गाढ़ा दिखने लगे, अब इस स्टेज पर हमको डालना है जो हमने गुड़ की चाशनी तैयार करी। ये देखिए, अच्छा सा ये हल्का हल्का घी भी छोड़ रहा है। आप देखिए, अपने आप में बादाम में भी थोड़ा घी होता है जो ये हल्का हल्का रिलीज कर रहा है। बहुत ज़्यादा घी का हमने यूज़ नहीं किया इसमें। अब हम इसको ऐड कर देंगे, जो हमने ये बनाया है चाशनी का वाटर, और अब इसे हम मिला लेंगे अच्छे से। आप देखिए कितना अच्छा कलर हो रहा है इसका। अब हम इसे 5 मिनट चला लेंगे, जब तक इसका पानी पूरी अच्छी तरह से अब्सॉर्ब कर लेंगे, पक जाए और उसके बाद ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो हम उस स्टेज पे गैस बंद कर देंगे। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे, हल्का सा हमें इसे इस तरह से लिक्विड में ही रखना है क्योंकि इसमें दूध डाला हुआ है, ये अपने आप थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा ठंडा होने के बाद। बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी हलवा रेडी है फ्रेंड्स। तो अब हम लोग इसके ऊपर थोड़ा बादाम से गार्निश कर देंगे। इस तरह से हमें गार्निश कर देना है और आप इसे बनाकर ज़रूर से ट्राई करें और इन्जॉय करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Bye.